नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आई नजर डालते अभी की ताजा खबरों पर। कोंडागांव से 15 किलोमीटर दूर इंडियन गैस कंपनी और नारियल से भरी ट्रक में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में दो लोगों की हुई मौके पर मौत, एक को गंभीर अवस्था में किया अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में नशे के आदि हो चुके कई नौजवान अपनी जिंदगी खत्म करने पर तुले। दिन भर कबाड़ जमा कर रात में करते हैं नशे की लत पूरा। रायपुर में बतौर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली शपथ। टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी मंत्री पद की शपथ। समारोह के दौरान मंच पर राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को दिलवाई शपथ। कोंडागांव से 15 किलोमीटर दूर इंडियन गैस कंपनी और नारियल से भरे ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक खलासी और गैस टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही यातायात पुलिस, सिटी कोतवाली पुलिस, दमकल की वाहन और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। जगदलपुर से नारियल लेकर एक ट्रक कोंडागांव की ओर आ रहा था। वहीं गैस लेने कोंडागांव से टैंकर जगदलपुर से विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था। इस दौरान दोनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर चालक रमाकांत शर्मा निवासी बरेली और ट्रक खलासी वेंकट आदरी निवासी सालूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एम रमना बाबूर निवासी गोल वीबी सालूर गंभीर रूप से घायल हो गए। रमना बाबू को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टक्कर के चलते गैस टैंकर की नलकी और दोनों वाहनों का डीजल टैंक फट गया। इससे गैस हवा में बहने लगी और डीजल सड़क में बहने लगा। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना को टालने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। गैस टैंकर जो खाली कर रायपुर की तरफ से जगदलपुर की तरफ जा रही थी और उधर से एक नारियल गाड़ी थी, तो दोनों में टक्कर हो गई, दोनों में भिड़ंत हो गई। इसमें से जो गैस गाड़ी थी उसके ड्राइवर की मौत हो गई है मौके पर ही, और जो ट्रक था उसमें जो खलासी था उसकी भी मौके पर मौत हो गई है। और ट्रक के ड्राइवर की हालत बहुत ख़राब है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। इसमें पता चल रहा है कि इसके जो है दूसरे पार्टनर्स थे जो एक और गाड़ी लेके जाए थे, वो लोग आए हैं यहाँ पर। वो लोग बताया कि गैस तो गाड़ी खाली थी, लेकिन थोड़ा सा जो प्रेशर जो बचा हुआ है वो प्रेशर निकल रही है, इसके लिए वो लोग प्रिंटिंग कार्रवाई कर रहे हैं। बिसलपुर बरेली के जर्जर मां की खबर को न्यूज 29 इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची और जर्जर मां को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदस्य प्रमोद कुमार ने SDM वंदना त्रिवेदी के माध्यम से राज्यपाल को पत्र भेजते हुए बिसलपुर बरेली मां के जर्जर हालत में होने की बात बताई और इस पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने की मांग की। बिसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। ये बरेली मार्ग जो बहुत ही जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, 3-4 साल से इस पर काम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन कमिश्नर साहब भी इस पर आदेश कर चुके हैं, लेकिन इस पर काम रुका पड़ा है। जर्जर हो गया बुरी तरह, गड्ढा मुक्त के लिए भाजपा सरकार बोल चुकी है, लेकिन इस रोड के गड्ढे कभी मुक्त नहीं हो रहे हैं। इस संबंध को लेकर आज हमने राज्यपाल जी महोदय को ज्ञापन भेजा है। मालखरोदा के बड़े कोट गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल पति पत्नी में मकान बनाने की बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति संपत चौहान ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से वार कर अपनी पत्नी भगवती बाई की हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी संपत चौहान के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ग्राम बड़े कोट थाना मालखरोदा क्षेत्र के रहने वाली भगवती चौहान को उसके पति के द्वारा ईंट और सिलबट्टे से घरेलू विवाद पर से हत्या कर दी गई है, जिस पर कि उसकी खोजबीन की गई है और संपत चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसे गिरफ्तार करके न्यायिक मामले भेजा जाएगा। जिस उम्र में नौजवान अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर अपने करियर को संवारने का काम करते हैं, वहीं बिलासपुर में नशे के आदि हो चुके कई नौजवान अपनी जिंदगी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इनका दिन भर कबाड़ जमा करने का उद्देश्य ही यही रहता है कि रात में नशे की लत को पूरा कर सके। बिलासपुर के नौजवान नशे की लत के आदि हो चुके हैं। बोनफिक्स सॉल्यूशन जैसे नशे की चपेट में आ चुके ये नौजवान अपने नशे की खुराक पूरी करने के लिए दिन भर कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उसे बेचकर नशीले पदार्थ खरीदते हैं। यदि कबाड़ से पैसे नहीं मिलते तो ये लोग छोटी मोटी आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। बाजार में बोनफिक्स सॉल्यूशन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
बावजूद इसके कुछ स्वार्थी दुकानदार पैसों के लालच में इन नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास न पहनने के लिए कपड़े हैं और न ही खाने के लिए भोजन। ये बच्चे दिन भर नशे में घूमते फिरते रहते हैं और नशे में आकर आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उन उजड़ते बच्चों के जीवन की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। बिलासपुर से प्रकाश जिवनानी की रिपोर्ट। बेसिकली वो जो कंपाउंड रहता है वो पॉलीविनाइल एसीटेट रहता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहता है, हेक्सेन रहता है, टॉलिन रहता है, जाइलिन रहता है, इथानॉल रहता है, नाफ्थालिन रहता है। ये जो नाफ्थालिन बॉल जो भी मिलता है, जो हम उसको कपड़ा में रखने के लिए कि कहीं स्मेल होते हैं लगाते हैं, वो भी डेंजरस होता है। इसमें बेसिकली बच्चों लोग का जो मसल्स है वो ख़राब हो जाती है, सडन डेथ भी, हार्ट का चक्कर में सडन कार्डियक डेथ भी हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। उनका बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, बहुत लीवर को काफ़ी डैमेज करती है। ये सब चीज़ों बच्चों को दूर रखना चाहिए। ये इसको हम ड्रग का जैसे बिहेव करना चाहिए, बिना प्रेस्क्रिप्शन बिना ऑथराइजेशन में उसको मार्केट में सेल नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ जहाँ बिक्री होती है वहाँ पे हम लगातार कार्यवाही करते हैं और आगे भी हम कार्यवाही करेंगे। और जो बच्चे पी रहे हैं बेसिकली उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर एक होना चाहिए जहाँ पे उनको हम डाल करके उनके नशे की आदत को हम दूर कर सकें। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैसे आयोडेक्स, उस पर बैन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आयोडेक्स और कुछ बोम फिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टायर वगैरह जोड़ने में सॉल्यूशन जो यूज़ किया जाता है, जिसकी बिक्री पे प्रतिबंध हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से बच्चे कर रहे हैं वो घातक है। तो इस प्रकार एक बच्चों को बेसिकली उनको रिहैबिलिटेशन एक होना चाहिए, उनका उनसे नशे की लत जो है वो छूटनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली दूर हो पाएंगे। अन्यथा ये तो घरों में भी उपलब्ध सामग्रियाँ हैं जो कि नशे का उनको आदि बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने शपथ ली है। भूपेश के साथ ही टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर राहुल गांधी ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को एक साथ शपथ दिलवाकर एकता का परिचय दिया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा महागठबंधन के सभी शीर्ष नेता इस समारोह में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवजोत सिंह सिद्धू सहित कई लोग इस समारोह में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।